हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज कोई ब्लॉग नहीं आएगा क्योंकि वीडियो एडिट नहीं हो पा रही है, इस वजह से नहीं ब्लॉग शेयर कर पा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है मेरे टाइम का, और 2-4 दिन बचे हुए हैं। तो जो पहले से पढ़ा है वहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपना रिविजन कम्प्लीट कर रही हूँ, प्रैक्टिस कम्प्लीट कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है कि ब्लॉग एडिट करें बैठ के, क्योंकि अकेले हैं यहाँ, तो अपने पर्सनल काम भी खुद ही करने हैं, साथ में अपनी जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसी वजह से मैं नहीं ब्लॉग शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग शूट होके पड़ा है लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो देखूंगी, अगर आज रात में ब्लॉग एडिट हो जाता है तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ गया है, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और पिछला वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, उस दिन मैंने बताया था कि मुझे मैसेज अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो 3 तारीख को जब एडमिट कार्ड आया है, तो 3 तारीख को मैंने देखा तो मेरा सेंटर मेरे होम टाउन में गया है, यानी कि गाजीपुर में मेरा सेंटर पड़ा है। इस बार फर्स्ट टाइम गाजीपुर में सेंटर बना, इससे पहले कभी भी गाजीपुर में आयोग के किसी भी एग्जाम का सेंटर नहीं बना था। तो खुश भी हूं, और थोड़ी सी ट्रेवल करनी पड़ती है तो इस वजह से परेशानी भी होती है कि एक दिन पहले हमको निकलना पड़ेगा। तो इस वजह से भी थोड़ा सा पैनिक हूं कि एक दिन मुझे मिलता जो रिवीजन करने के लिए, वो एक दिन ट्रेवल में चला जाएगा। तो ठीक है, जहां गया है सेंटर पेपर तो देना ही है। तो आप लोगों का सेंटर कहाँ गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी अपडेट है जो आप लोगों को पहुंचा दी जाए, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं मेरे साथ और बार बार आप लोग पूछ रहे थे। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि ब्लॉग शेयर करूंगी तो उसी में बता दूंगी, लेकिन ब्लॉग एडिट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो मन में एक अलग तरीके का डर होता है। तो बस वैसे ही डर मेरे मन में भी है, लेकिन ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक पहुंचानी जरूरी थी। और एग्जैक्ट नहीं बता सकती, लेकिन मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से 30-35 किलोमीटर दूर है सेंटर मेरा, यानी कि मैं दिलदार नगर की रहने वाली हूँ, गाजीपुर में। जो लोग गाजीपुर से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा, या इससे पहले कभी भी मेरा सेंटर ऐसे नहीं गया था गाजीपुर में। बहुत क्लियरली कोई सेंटर जाता है मेरा गाजीपुर में। फर्स्ट टाइम जब पेट दिया था मैंने, तब गाजीपुर में मेरा सेंटर गया था, और ये सेकेंड टाइम है जब मेरा सेंटर गाजीपुर में पड़ा है। नहीं तो आयोग इससे पहले सेंटर ही नहीं बनाता था। हो सकता है इस बार फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ गए हैं, जिसकी वजह से आयोग सेंटर बना दिया है गाजीपुर में भी। और ज्यादातर इस बार लोगों का अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही दिया है, बहुत दूर नहीं दिया है। तो ये अच्छी बात भी है बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए, लेकिन जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं उनको ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई साधन नहीं यहाँ से डायरेक्ट वहां जाने के लिए। तो हमें घर जाना ही पड़ेगा, और घर चले जाएंगे तो घर से नजदीक भी पड़ेगा, तो सही भी रहेगा मेरे लिए। तो बस 10 तारीख को निकल जाएंगे हम अपने घर, और उससे पहले ब्लॉग आएगा, लेकिन अब कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है ब्लॉग, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स मेरा बीच का भी 5 महीने का छूटा था, तो मैं मैगजीन ले आई थी जो कि अर्धवार्षिकी थी, वो ले आई थी मैं, घटनासार उससे कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी मैगजीन अगर आप एक बार दो बार पढ़ के जाते हो एग्जाम में, तो कितने क्वेश्चन कवर हो पाएंगे ये मैं भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इतना डेप्थ में उसमें एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि चलो हम इस चीज को पढ़ेंगे, इस चीज को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक्सपेरियंट है। हम लोगों के लिए जब कई बार पढ़ेंगे तब उसमें से कुछ एक निचोड़ निकलता है कि नहीं, ये चीजें हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये चीजें लिस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो चीजें अब उतना टाइम नहीं बची है कि क्लियर किया जाए, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ। जो भी होगा एक्सपीरियंस मेरा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और बाकी की चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का सेंटर कहाँ गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फुल स्टडी रूटीन के साथ। अब तो दो दो तीन तीन दिन का स्टडी रूटीन जो होता है वो एक वीडियो में मर्ज कर देती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है डे टू डे वीडियो एडिट करने का। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट।